अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, इन द नेम ऑफ अल्लाह हु इज़ द मोस्ट बेनिफिशेंट एंड द मर्सीफुल। टुडे वी आर गोइंग टू रीड द शॉर्ट स्टोरी द रिचर द पोअर बाय डोरोथी वेस्ट। डोरोथी वेस्ट इज हर डेट ऑफ बर्थ इज जून 1907 एंड डेट ऑफ डेथ इज 16/19/1908। वॉज एन अमेरिकन स्टोरी टेलर एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द हार्लेम रेनेसांस। हार्लेम इज़ द नेम ऑफ प्लेस। The explanation is the Harlem Renaissance was an intellectual, social and artistic explosion centered in Harlem, Manhattan, New York City, spanning the 1920s. Harlem ये एक movement थी जो कि intellectual, social और artistic explosion था, एक बहुत बड़ा change थी जो कि New York City में आई और इस नाम से इसको Harlem Renaissance कहा जाता है। At the time it was known as a new Negro movement. न्यू नेग्रो मूवमेंट के नाम से भी इसको जाना जाता है। शी इज़ द बेस्ट नोन फॉर द नावल द लिविंग इज ईजी एज वेल एज मैनी अदर शॉर्ट स्टोरीज एंड द एसेज अबाउट द लाइफ ऑफ एन अपर क्लास ब्लैक फैमिली। अपर क्लास जो ब्लैक काले रंग के लोग थे उनके बारे में इसने ज़्यादातर लिखा है। डोरोथी वेस्ट वॉज बॉर्न इन द बोस्टन मैसाच्यूसेट्स ऑन जून 2/1907 टू वर्जीनियन आइज़ैक क्रिस्टोफर वेस्ट। ये नेम है उसके वालिद का। हु वॉज फॉर्मली इंस्लेव एंड लेटर बिकेम अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन। जो पहले तो कैद में रहा लेकिन बाद में कामयाब बिजनेसमैन बना। द पोइट हेलेनी जॉनसन वॉज हर कज़न, ये उसके कज़न था। वेस्ट रिपोर्टेडली रोट हर फर्स्ट स्टोरी एट द एज ऑफ 7। 7 साल की उम्र में उसने अपनी पहली स्टोरी लिखी। हर फर्स्ट शॉर्ट स्टोरी प्रॉमिस एंड द फुलफिलमेंट वॉज पब्लिश इन द बोस्टन पोस्ट वेन शी वॉज 14 years old and she won several local writing competitions also. West attended girls Latin school now called Boston Latin Academy, ab Boston Latin Academy ke naam se usko jana jata hai, graduating at the 16 and went on to Boston University and Columbia University School of the Journalism. 16 saal ki umar mein isne graduation ki. West died on August 16, 1998 at the age of 91 एट द न्यू इंग्लैंड मेडिकल सेंटर इन द बोस्टन। यहाँ पर इसकी डेथ हुई। दो, हर काज ऑफ डेथ वॉज नेवर ऑफिशली रिलीज्ड। ऑफिशली तौर पर इसकी काज ऑफ डेथ पता नहीं है। इट इज़ सस्पेक्टेड, ये शक है, दैट शी डाइड ऑफ नेचुरल काजेज। एट हर डेथ शी वॉज वन ऑफ द लास्ट सर्वाइविंग मेम्बर ऑफ द हार्लेम रेनेसांस। हार्लेम रेनेसांस के अंदर जितने भी राइटर्स थे सबसे आखिर में वफात पाने वाली डोरोथी वेस्ट थी। हर मेजर वर्क्स इंक्लूड द लिविंग इज ईजी 1948, री इशूड हुआ फिर ये 1982 के अंदर, द वेडिंग 1995 में, द रिचर द पोअर स्टोरीज स्केचेज एंड रेमिनिसेंस ये 1995 के अंदर लिखी गई शॉर्ट स्टोरीज। अब आते हैं हम इसकी ओरिजिनल टेक्स्ट की तरफ। तो टेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं, गौर से नोट कीजिएगा। Over the years, Lottie had urged Bess to prepare for her old age. दो सिस्टर्स हैं, एक का नाम है लॉटी और दूसरे का नाम है बेस। दोनों बहनें हैं लेकिन दोनों का वे ऑफ लिविंग स्टाइल चेंज है। हमने इन दोनों करेक्टर्स के स्केच को पढ़ना है कि किस तरह से एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं और कौन सी सिस्टर दूसरी सिस्टर से बेहतर है। सालों तक लॉटी जो थी सिस्टर वो बेस को कहती रही कि वो अपनी ओल्ड एज के लिए प्रिपेयर हो, मीन्स शी मस्ट सेव समथिंग फॉर द ओल्ड एज। ओल्ड एज के लिए वो कुछ अपने आप को प्रिपेयर करे। ओवर द ईयर्स बेस हैड लिव्ड ईच डेज एज इफ देयर वर नो अदर। लेकिन इसके बरक्स बेस ने ज़िंदगी को ऐसे जिया जैसे कि वो उसका आखिरी दिन हो, यानी हर दिन को उसने जिया। नाउ देवर बोथ पास्ट 60, अब 60 साल गुजर चुके हैं। द टाइम फॉर समिंग अप, लॉटी हैड अ बैंक अकाउंट। लॉटी का एक बैंक अकाउंट है, डेट हैड नेवर ग्रोन लीन, जो कभी भी काम नहीं हुआ, मीन्स हमेशा उसने पैसे इकट्ठे किए सिस्टर ने लॉटी ने। बेस हैड द क्लॉथ्स ऑन हर बैक एंड द रेस्ट ऑफ हर वर्ल्डली पोजेशंस इन अ बैटर्ड सूटकेस। बेस ने कुछ कपड़े अपने बैक शोल्डर्स पर उठाए हुए हैं और बाकी तमाम को उसने एक पुराने सूटकेस के अंदर रखा हुआ है। लॉटी हैड हेटेड बीइंग अ चाइल्ड। लॉटी को जो थी हमारे पास, उसे बच्चा होते हुए
नफरत थी। हर पेरेंट्स स्किपिंग एंड स्क्रैपिंग, उसके वालदैन उसके ऊपर क्रिटिसाइज करते थे, तनकीद करते थे। बेस हैड नेवर सीम टू नोटिस, जबकि जो बेस थी उसके बरक्स वो कभी तवज्जो ही नहीं देती थी इस बात के ऊपर। ऑल शी एवर वॉन्टेड वॉज टू गो आउटसाइड एंड प्ले, उसका सिर्फ मकसद बाहर जाना और खेलना था। शी लर्न टू स्केट ऑन बोरोड स्केट्स, स्केटिंग करना पसंद था और वो उधार मांग मांग कर करती थी, अपना शौक पूरा करती थी। शी रोड अ बोरोड बाईसाइकिल, उधार लेकर साइकिल चलाती थी। बट ही कुड नॉट वेट टू ग्रो अप एंड बाय हरसेल्फ द बेस्ट ऑफ एवरीथिंग, जबकि दूसरी तरफ लौटी थी वो इंतज़ार नहीं कर सकती थी कि वो इंतज़ार में रहे, किसी से उधार मांगे और कुछ ऐसा वैसा करें। शी नेवर टच्ड ए पैनी ऑफ हर मनी, उसने कभी अपनी रकम का एक पैनी एक सिक्का तक खर्च ना किया। दो हर चाइल्ड्स माउथ वाटर्ड फॉर आइसक्रीम एंड कैंडी, अगरचा के उसका दिल भी आइसक्रीम और कैंडी को करता था लेकिन वो खर्च नहीं करती थी। बट शी कुड नॉट बियर टू शेयर विद बेस, और वो बेस के साथ शेयर करना भी पसंद नहीं करती थी। वो नेवर हैड एनी थिंग शेयर विद हर, जिसके पास शेयर करने के लिए कुछ होता ही नहीं था। मीन्स जो लॉटी है वो शेयर नहीं करना चाहती थी, जबकि जो बेस है ऑन द अदर हैंड उसके पास शेयर करने के लिए कुछ होता ही नहीं था। मीन्स जो उसके पास जो कुछ भी होता था वो खर्च कर डालती थी। When the dimes began to add up to dollars, dimes means coin, सिक्का, began to add up to dollars, जब वो बढ़कर dollars तक जा पहुँचा, she lost her taste for sweets, तो उसने मीठा खाना भी छोड़ दिया। मीन्स वो बहुत ज़्यादा हद तक कंजूस हो गई। By the time she was 12, जब 12 साल की थी, she was clerking after school in a small variety store, एक छोटे से variety school के अंदर क्लर्क की जॉब करती थी। Saturdays she worked as long as she was wanted, हफ्ते के दिन वो जितना ज़्यादा देर तक चाहती काम करती रहती। She decided to keep her money for clothes, when she entered high school she would wear a wardrobe that neither she nor anyone else would be able to match, wardrobe का मतलब यहाँ पर हैंगे आप अलमारी ले सकते हैं कि मुकम्मल तौर पर वो उसके सूट उसके पास होते थे और इस तरह से ड्रेसिंग करती थी कि उसकी कोई नकल भी ना कर सके। नेक्स्ट हमारे पास है शी बिगेन टू बैंक हर मनी, फिर लॉटी ने अपने बैंक को रकम को बैंक में जमा करना शुरू कर दिया। एंड हर हैंड एंड हर बैंक बुक बिकेम हर मोस्ट प्राइवेट एंड द प्रीशियस पोजेशन, और सबसे कीमती चीज़ उसके पास जो थी वो उसकी बैंक कॉपी थी, बैंक बुक जिसमें उसका हिसाब किताब था बैंक के पैसों का। इन हर थर्ड ईयर हाई स्कूल She found a job in a small but expanding restaurant. Restaurant में उसको एक job मिल गई, where she cashiered from the BC hours until closing. Closing तक काम करती रहती। In her last years high, the business increased so rapidly that Lottie was faced with the choice of staying in school or working full time. अब उसके पास choice आ गई कि या तो वो कमाए या तो school में पढ़े। She made her choice easily. उसके लिए रास्ता आसान था क्योंकि उसे पैसे से मोहब्बत थी और जॉब इन हैंड वाज वर्थ टू इन द फ्यूचर, जो मौके पर उसको पैसा मिल रहा था वो उसके लिए ज़्यादा कीमती था। अब इसके बरक्स हम बेस की बात करते हैं। बेस हैड अ बियो मींस अ बॉयफ्रेंड इन स्कूल बैंड हु हैड नो अदर एम्बिशन एक्सेप्ट टू प्ले अ हॉर्न, उसके पास सिर्फ और सिर्फ म्यूजिक के अलावा और कोई मकसद ही नहीं था। लॉटी एक्सपेक्टेड टू बी सेटल विद अ होम and family while Bess was still waiting for Harry to earn enough to buy a marriage license. लॉटी जो वो अपने घर के अंदर सेटल होना चाहती थी जबकि बेस दूसरी तरफ शादी करना चाहती थी, ये चाहती थी कि हैरी जो उसका बॉयफ्रेंड है वो इतना कमा ले कि उनके पास शादी करने के पैसे आ जाएं। That Bess married Harry straight out of school was not surprising. बेस ने शादी की तो ये कुछ हैरान को ना था। दैट लॉटी नेवर मैरिड एट ऑल वाज नॉट रियली सरप्राइजिंग आइदर, और जबकि दूसरी तरफ लॉटी ने कभी ज़िंदगी में शादी ही नहीं की। टू और थ्री टाइम्स शी वाज हाफ वे परसुएडेड, दो या तीन मरतबा उसको थोड़ा सा शादी की तरफ रागिब हुई। बट टू गिव अप अ जॉब डैट पेड वेल फॉर अ होम मेकिंग जॉब डैट पेड नथिंग वॉज अ रिस्क शी वॉज इनकेपेबल ऑफ टेकिंग, लेकिन उसने पैसे की खातिर ये इस कदम ना उठाया। बेस्ट मैरिड लाइफ वॉज नथिंग फॉर लॉटी टू एनवे, एंड लॉटी के लिए ये कोई हसद ना था कि बेस्ट की शादी हो गई, क्यों, क्योंकि उसको पैसों से बहुत ज़्यादा प्यार था। शी लव्ड मनी, शी वॉन्ट टू अर्न मोर एंड मोर एंड मोर, एंड द पैशन ऑफ हर लाइफ वॉज ओनली गेटिंग मनी इंस्टेड ऑफ एल्स।
Harry playing in second-rate ball bands all over the country, even getting himself and Bess stranded in Europe. Harry जबकि means Bess का जो शोहर था, हस्बैंड था, वो सेकंड रैंक्स के बैंड्स के अंदर काम करता है, म्यूज़िक कंपटीशन करता रहता और पूरे यूरोप में चक्का लगाता रहता जहाँ भी उसको मौका मिलता. दे वर ऑफन रैग्स एंड नेवर इन रिचेस. वो हमेशा बुरी हालत में रहे और कभी अमीर ना हुए. लॉटी शट ऑफ द रूम्स शी डिड नॉट यूज़. जबकि लॉटी की जो सूरत हाल थी सिर्फ पैसा कमाने में थी, वो अपने रूम्स को ज़्यादातर बंद रखती और उन्हें इस्तेमाल तक बिना करती थी. लेटिंग देम गो टू रैक एंड रून. और वो बिल्कुल बुरी हालत में हो चुके थे. सिंस शी एट हर मील्स आउट. चूँकि वो अपना खाना बाहर खाती थी. शी हैड नो फूड एट होम. घर में कुछ खाना नहीं था. एंड डिड नॉट इनक्रेज कॉलर. और ना ही कोई मुलाकाती उसके पास आते थे. वो ऑलवेज एक्सपेक्टेड ए कप ऑफ टी. क्योंकि उन्हें एक चाय का कप पिलाना पड़ता. हर वे ऑफ लाइफ वाज मीन एंड माइजरली. उसकी जो ज़िंदगी का तौर तरीका था वो बिल्कुल कंजूस सूरत हाल थी. बट शी डिड नॉट नो इट. लेकिन उसे इस चीज़ का एहसास ना था. शी थाट शी लिव्ड फ्रूगली इन हर मिडल ईयर्स. वो सोचती थी कि उसने अपने इन सालों में बड़ी ही सखावताना तरीके से गुजारी हैं. सो डैट शी कुड लिव इन कम्फर्ट एंड ईज वैन शी मोस्ट नीडेड पीस ऑफ माइंड. और वो सोचती थी कि उसको मुकम्मल पीस ऑफ माइंड मिलेगा आने वाले दिनों में, क्योंकि उसने बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारी है. द ईयर्स आफ्टर 40. साल गुजरते के 40 साल पर बिगिन टू रेस. जल्द ही निकल गए. सडनली लॉटी वाज 60. जल्द ही लॉटी की उम्र 60 साल पहुंच गई. एंड रिटायर्ड फ्रॉम हर जॉब बाय हर बॉस सन. और उसके बॉस के बेटे ने उसे जॉब से निकाल दिया. हु हैड नो सेंटिमेंटल डीलिंग अबाउट कीपिंग हर ऑन अनटिल शी वाज रेडी टू क्विट. उसके बेटे के पास मींस बॉस के जो बेटे थे उसके पास किसी किस्म के कोई जज्बाती एहसास ना थे कि वो उसको काम पर रखे और जब वो अपनी मर्जी से जाना चाहे और चली जाए. शी मेड सेवरल अटेम्प्ट्स टू फाइंड अदर एम्प्लॉयमेंट बट हर डोडियस अपेरेंस. उसने दूसरी जॉब्स ढूंढने की कोशिश की लेकिन जो उसके बुरा हाल यानी कि बुढ़ापे की अपेरेंस थी मेड हर लुक ओल्ड एंड इनसफिशेंट. उसकी लुक उसके आड़े आ जाती है, उसको कहीं जॉब भी ना मिलती. हैरी डाइड अब्रॉड. हैरी जो कि हस्बैंड होता है बेस का, वो उसकी मौत हो जाती है अब्रॉड के अंदर इन थर्ड रेट होटल विद बेस वीपिंग एज हार्ड एज इफ ही हैड लेफ्ट अ फॉर्चून. और बेस उस पर इतना रोती है जैसे कि वो उसके लिए बहुत कुछ छोड़ कर गया हो. ही हैड लेफ्ट हर नथिंग बट हिज हॉर्न. सिवाय अपने मौसीकी के आले के वो बाकी पीछे कुछ नहीं छोड़ के जाता. देयर वॉज नॉट इवन मनी फॉर हर पैसे जो उसके घर आने के लिए पैसे भी नहीं होते. लॉटी ट्रैप्ड बाय द ब्लड टाई. खून की कशिश में फंस जाती है. न्यू शी वुड नॉट ओनली हैव टू सेंड फॉर हर सिस्टर. जानती है कि ना सिर्फ उसे अपनी सिस्टर को बुलाना पड़ेगा बट टेक हर इन व्हेन शी रिटर्न्ड. बल्कि जब वो वापस आएगी उसे मिलना भी पड़ेगा. इट डिड नॉट सीम फेयर. ये सही नहीं था. डेट बेस्ट शुड रीप द हार्वेस्ट ऑफ द लोटिस लाइफ टाइम्स ऑफ द सेल्फ डिनायल. के सेल्फ डिनायल की वजह से वो बेस्ट को छोड़ दे रास्ते में. इट लुक लोटी अ वीक टू गेट अ बेडरूम रेडी. लोटी को बेडरूम तैयार करने के लिए एक हफ्ता लग गया क्योंकि लोटी बिल्कुल घर इस्तेमाल करती नहीं थी. दरवाजे बंद रहते थे, रूम्स बंद रहते थे. अब जब उसकी सिस्टर वापस आ रही है हैरी की मौत की वजह से, तो बेस के लिए उसे बेडरूम तैयार करना था. बेडरूम तैयार करने के लिए उसे एक हफ्ता लग गया. ए वीक ऑफ हार्ड वर्क एंड हार्ड कैश. बहुत ज़्यादा वर्क लगा, पैसा लगा. देयर वॉज एवरी थिंग टू डू. सब काम करना था. एवरी थिंग टू रिप्लेस. हर चीज़ बदलनी थी और पेंट या रंग करनी थी. वैन शी वॉज दो थ्रू. जब वो मुकम्मल कर चुकी द रूम लॉक्ड. This room looked so fresh and new that Lottie felt she deserved it more than Bess. Room इतना प्यारा हो गया, साफ़ सुथरा हो गया कि लोटी को ये लगता था कि Bess से ज़्यादा इस रूम की हकदार वही है. She would let Bess have her room. वो उसे अपना कमरा दे सकती थी. But the mattress was so lumpy, the carpet so worn. लेकिन वहाँ पर जो mattress था वो इतना ख़राब था और carpet फटा हुआ था. द कर्टन सो थ्रेड बियर. और पर्दों से इतना धागे निकले हुए थे. लोटीज कंसाइंस पिक्ड हर. कि लोटी ने पीस पर तवज्जो ना दी. शी सपोज्ड शी वुड हैव टू रीडू दैट रूम. उसने ये सोचा कि वो इस रूम को भी साफ करेगी. एंड वेंट अबाउट डूइंग इट विद एन ईगरनेस दैट शी मिस्टूक फॉर हेस्ट.
When she was through upstairs, she was shocked to see how dismal downstairs looked by. जब वो सीढ़ियाँ उतर रही थी तो उसको लगा कि सीढ़ियाँ भी बहुत बुरी लग रही हैं. But the comparison tried to ignore it. But with nowhere to go to escape it, the contrast grew more intolerable. सीढ़ियों का अंदाज उसे इतना बुरा लगा कि अब उसे बर्दाश्त भी नहीं हो रहा था कि ये भी चीज़ें बहुत ख़राब हो चुकी हैं. शी वर्कड हर वे फ्राम किचन टू पार्लर. शी वर्कड हर वे वो किचन से पार्लर की तरफ गई. परसुएडिंग हर सेल्फ शी वॉज ओनली पुटिंग द रूम्स टू राइट टू गिव हर सेल्फ समथिंग टू डू. कि कमरों को साफ करने के बाद उसे खुद को भी बेहतर हालत में करना चाहिए. एट नाइट शी स्लेप्ट लाइक अ चाइल्ड आफ्टर ए लॉन्ग एंड हैप्पी डेज ऑफ द प्लेइंग हाउस. काफ़ी अरसे के बाद अब वो रात को बड़े सुकून से सोई क्योंकि उसने सफाई का काम किया था, कुछ तवज्जो दी थी घर के ऊपर. शी वॉज हैविंग मोर फन देन शी हैड एवर हैड इन लाइफ. उसे ज़िंदगी में ऐसा मज़ा पहले कभी भी नहीं आया था काम करके. शी वॉज लिविंग ईच और फॉर इट. उसने उसका उस घंटे का उस लम्हों का हर एक लम्हों का फ़ायदा उठाया. मीन्स इस लाइन्स में ये है कि पहले वो मुकम्मल तौर पर घर के काम के अंदर बिल्कुल तवज्जो नहीं देती थी. अब जब उसने बेस्ट के लिए रूम साफ़ किया तो उसको रूम सफाई करने के बाद खूबसूरती नज़र आई. चीज़ों को साफ़ किया, देखा, काम करने के बाद उसको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया क्योंकि उसने उन लम्हों को जिया. देयर वॉज ओनली अ डे नाउ बिफोर बेस्ट वुड अराइव. सिर्फ एक दिन रह गया था बेस्ट के आने में. पासिंग हर ग्लीमिंग मिरर एट फर्स्ट विद वेग अवेयरनेस देन विद पेनफुल क्लैरिटी लोटी सा हरसेल्फ एज अदर्स सा हर. लोटी ने खुद को देखा एंड कुड नॉट स्टैंड द साइट. और उस नज़ारे के ऊपर एतमाद ना कर सकी. नेक्स्ट हमारे पास शी वॉज इन द किचन बेस्टिंग अ टर्की व्हेन बेस रैंग द बेल. वो किचन में मौजूद थी और टर्की को मसाला लगा रही थी. टर्की इज़ अ काइंड ऑफ बर्ड. उसको मसाला लगा रही थी जिस तरह चिकन को मसाला किया जाता है कटलेट्स बनाने के लिए, पीस बनाने के लिए. तो बेस्टिंग टर्की व्हेन बेस रैंग द बेल. जब बेस ने डोर बेल बजाई हर हार्ट रेस्ट एंड शी वॉन्डर्ड इफ द हीट फ्राम द ओवन वॉज रिस्पॉन्सिबल. शी वेंट टू द डोर एंड बेस स्टूड बिफोर हर. उसका दिल की धड़कन तेज़ हो गई और वो भाग करते हुए दरवाजे पर गई और सामने बेस को पाया. स्टिफली शी सफर्ड बेस एम्ब्रेस. बड़ा ही अजीब तरीके से उसने बेस के गले मिलने को महसूस किया. हर हार्ट रेसिंग हार्डर. उसका दिल और भी ज़्यादा धड़क रहा था. हर आई सडन स्मार्टिंग फ्राम द ऑनरश ऑफ द कोल्ड एयर. ओह लोटी इट्स गुड टू सी यू. तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लगा बेस सेड. बेस ने कहा बट सेइंग नथिंग अबाउट लोटी स्प्लेंडेड अपीयरेंस. लेकिन हैरान कन बात ये थी बेस ने लोटी की इस शानदार अपीयरेंस जो उसने अपने आप को तैयार किया था, खर्चा किया था पार्लर में जाकर अपनी अपीयरेंस को बेहतर, उसके बारे में कोई बात भी ना की. अपस्टेयर्स बेस पुटिंग डाउन हर शैबी सूटकेस. अपने उस पुराने सूटकेस को नीचे रखा. सेड आई विल स्लीप लाइक अ रॉक नाइट विदाउट अ वर्ड ऑफ प्रेज फॉर हर लवली रूम. अपने प्यारे कमरे के लिए एक लफ्ज़ भी तारीफ का ना निकाला. एट द लैविश टेबल. चमकती हुई टेबल को टॉप हैवी विद टर्की. बेस्ट सेड बेस्ट ने कहा आई विल टेक लाइट एंड डार्क बोथ. मैं हल्का खाना पसंद करूँगी विद नो मार्वलिंग एट द साइज ऑफ द बर्ड. बर्ड के साइज के ऊपर उसने कोई हैरान का इजहार ना किया. और डेट देयर वॉज टर्की फॉर टू एल्डरली वुमेन वन ऑफ देम टू पुअर टू बाई हर ओन ब्रेड. और टर्की दो औरतों के लिए जिनमें से एक इतना गरीब थी कि वो अपना रोटी भी नहीं खरीद सकती थी. विद द ग्लो ऑफ गुड इन हर स्टॉमिक बेस बिगेन टू स्पिन स्टोरीज. बेस ने कहानियाँ सुनाना शुरू कर दी. दे वर रिच विद प्लेसेस एंड पीपल जो कि लोगों और जगहों से भरी हुई थी. मोस्ट ऑफ देम लवली. उनमें से ज़्यादातर बातें बहुत प्यारी थी. ऑल ऑफ देम मैग्निफिशेंट शानदार थी. हर फेस रिफ्लेक्टेड हर टेलिंग. उसका चेहरा उसकी बातों को बता रहा था. द जॉयज एंड द सॉरोज ऑफ हर रिमेंबरिंग एंड अबव ऑल और सबसे बढ़कर द लव शी लिव्ड बाई डैट इनहांस द पोरेस्ट प्लेस द हम्बलेस्ट पर्सन. और जिस तरीके से वो उनको बयान कर रही थी वो चीज़ें बड़ी काबिल तारीफ थी. देन इट वॉज डैट लोटी न्यू वाई बेस हैड मेड नो मैंशन ऑफ हर फाइनरी.
फिर लोटी को इस बात को एहसास हुआ कि बेस ने उसकी इस शान शौकत को क्यों नहीं सराहा। और द शाइनिंग रूम्स कमरों को और द 12 पाउंड्स टर्की या 12 पाउंड की टर्की को शी हैड नॉट इवन सी हिम, उसने हत्ता कि उसे देखा तक भी नहीं। टुमारो शी वुड सी द रूम एज इट रियली लुकड, सुबह वो उसको देखेगी। एंड लोटी एज शी रियली लुकड एंड द वार्म ओवर टर्की इन इट्स सेकेंड डे ग्लोरी, टू नाइट शी सा ओनली वट शी हैड कम सीकिंग, आज उसने सिर्फ उतना ही देखा जिसके लिए वो आई थी। क्या अ प्लेस इन हर सिस्टर्स होम एंड हर्ट, अपनी बहन के दिल और घर के अंदर जगह। शी सैड, उसने कहा, डैट्स एनफ अबाउट मी, मेरे लिए काफ़ी है। हाउ हैव द ईयर्स यूज्ड यू, तुमने वक्त को कैसे गुजारा, किस तरह से तुम्हारा वक्त पास हुआ। इट वॉज मी हु डिडंट यूज़ देम, ये मैं हूँ जिसने उनका इस्तेमाल ही नहीं किया। लोटी इस बात पर अफसुर्दगी का इजहार करती है कि तुमने तो अपनी ज़िंदगी के दिनों को जिया, मज़े किए, दुनिया में घूमा फिरा, अच्छी बुरी जगह पर गई और हर लम्हे को तुमने इंजॉय किया, लेकिन इट वॉज मी हु डिडंट यूज़ देम, मैंने अपने वक्त को सारा पैसा कमाने में इस्तेमाल किया। सेड लोटी विस्टफुली, आई सेव्ड फॉर देम, मैंने उन्हें महफूज किया। आई फॉरगॉट द बेस्ट ऑफ देम, वुड गो विदाउट माई एवर स्पेंडिंग अ डे और अ डॉलर इंजॉइंग देम, डैट्स माई लाइफ स्टोरी इन दोज फ्यू वर्ड्स, अ लाइफ नेवर लिव्ड। बड़ी अहम लाइन है कि ऐसी ज़िंदगी जिसको मैंने कभी जिया ही नहीं। नाउ इट्स टू नियर द एंड टू ट्राई, बेस्ट सेड, बेस्ट ने कहा, टू नो हाउ मच देयर इज टू नो इज द बिगिनिंग ऑफ लर्निंग टू लिव। बहुत अहम लाइन है कि कुछ ना कुछ जान लेना बिगनिंग ऑफ लर्निंग के लिए, ज़िंदा रहने के लिए बहुत कुछ है। कि अगर तुम्हें अब भी समझ आ गई है तो ये भी अभी भी तुम्हारे लिए बहुत कुछ है। डू नॉट काउंट द ईयर्स डैट आर लेफ्ट अस, उन दिनों की परवाह ना करो जो अब हमसे गुजर गए। एट आवर टाइम ऑफ लाइफ इट इज़ द डेज डैट काउंट, काउंट करने के वो दिन होते हैं जो हमारी ज़िंदगी में आगे हैं, जो आगे वक्त है उनको देखो कि वो तुमने किस तरह से गुजारना है। अभी भी देर नहीं हुई, तुम अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरह से जी सकती हो। यू हैव टू मच कैचिंग अप टू डू टू वेस्ट अ मिनट ऑफ ए वॉकिंग आवर फीलिंग सॉरी फॉर योर सेल्फ, क्या तुम अपनी ज़िंदगी के इन आने वाले लम्हों को भी सिर्फ अफसरदगी में या पशेमानी में या बेचैनी में गुजारना चाहती हो। लोटी ग्रीन अ रियल वाइड ओपन ग्रीन वेयर हो टेल मी टूथ आई फेल्ट सॉरी फॉर यू, सच बात यह है कि मैं तो तुम्हारे लिए अफसरदा हो रही थी कि तुमने अपना टाइम ज़ाय किया। मे बी इफ़ आई हैड एनी सेंस, अगर मेरे अंदर कोई समझ है, आई वुड सॉरी फॉर माई सेल्फ, मुझे अपने लिए अफसोस करना चाहिए। आफ्टर ऑल, बहरहाल, आई नो आई एम टू ओल्ड टू किक अप माई हील्स, अब मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, बट आई एम गोइंग टू लेट यू शो मी हाउ, लेकिन अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि मैं अपनी ज़िंदगी को कैसे जीऊँगी। इफ़ आई हैड ऑन माई हेड आई गेस इट वो नॉट मैटर, अब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आई फील गिडी ऑलरेडी एंड आई लाइक इट, और मुझे अब ये पसंद है। मीन्स ये उसका चेंजिंग बिहेवियर जो है ना, अब उसके ऊपर इफेक्ट कर गया है। मोरऑल इन द एंड हम क्या कह सकते हैं, वी कैन एनालाइज डैट शी लर्न्स अ वैल्यूबल लेसन एट द एज ऑफ 60। लोटी ने 60 साल की उम्र में बड़ा ही कीमती सबक सीखा, डैट लाइफ इज अबाउट लिविंग ईच मोमेंट, कि ज़िंदगी हर लम्हा जीने का नाम है। वाइल इट लास्ट, जब तक ये ख़त्म हो जानी है। लोटी रियलाइज्ड, उसने ये समझा, उसने ये जाना, शी हैड गेंड नथिंग इन आर लाइफ, कि उसने ज़िंदगी में कुछ हासिल नहीं किया। मनी इज़ नॉट एवरी थिंग, अर्निंग मनी, पैसा इकट्ठा करना सब कुछ नहीं होता। एंड वी कैन नॉट बाई हैप्पीनेस विद मनी, और हम पैसों के साथ खुशियों को नहीं खरीद सकते। एंड टर्न आउट टू बी द पोअर ऑफ द टू सिस्टर्स, और दोनों बहनों में ये सबसे गरीब ज़ाहिर हुई। हालांकि पैसा उसके पास बहुत है, बैंक बैलेंस भी है, घर भी है, लेकिन वो खुद को अपनी सिस्टर बेस के मुकाबले बहुत ज़्यादा गरीब महसूस कर रही है, क्योंकि ज़िंदगी के असल मज़े, असल खुशियां तो वो हासिल कर चुकी है जबकि लोटी के पास ज़िंदगी को इंजॉय करने के कोई लम्हात भी नहीं है। उसने सारी ज़िंदगी सिर्फ पैसा कमाने में गुजार दी। लोटी रिप्रजेंट द ट्रेजडी ऑफ मैनी वोमेन टूडे, और ये आज की औरत की ट्रेजडी को जहर करती है। यहाँ पर हमारी शॉर्ट स्टोरी एंड होती है। इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, ये आप याद करेंगे। फर्स्ट, लोटी हैड हेटेड बीइंग अ चाइल्ड, हेटिंग हर पेरेंट्स,
स्किम्पिंग एंड स्क्रैपिंग अपनी वालदैन को तनकीद करते हुए सुनती थी, इसलिए वो अपने बचपन से नफरत करती है। लोटी बेस हैड नेवर सीम टू नोटिस, जबकि बेस बरक्स कोई तवज्जो ही नहीं देती। ऑल शी एवर वांटेड वाज टू गो आउटसाइड एंड प्ले, सिर्फ उसका मकसद बाहर जाना और खेलना होता है। सेकेंड लाइन फ्राम द टेक्स्ट, हर वे ऑफ लाइफ वॉज मीन एंड माइजरली, उसकी ज़िंदगी की जो तौर तरीका था वो सारा का सारा कंजूस था। बट शी डिड नॉट नो इट, वो नहीं जानती थी। शी थॉट शी लिव्ड फ्रैगली इन हर मिडल ईयर सो डैट शी कुड लिव इन कम्फर्ट एंड ईज व्हेन शी मोस्ट नीडेड द पीस ऑफ माइंड, और वो समझती थी कि इस पैसे से वो अपना पीस ऑफ माइंड खरीद लेगी, लेकिन ये ऐसा मुमकिन नहीं था। टू नाइट शी सा ओनली वट शी हैड कम सीकिंग, आज रात सिर्फ उसने वही कुछ देखा जो वो देखने आई थी, ढूंढने आई थी, अपनी बहन के दिल में और घर में जगा। नंबर फोर्थ लाइन है फ्रॉम द टेक्स्ट, बेस सेड टू नो हाउ मच देयर इज टू नो इज द बिगनिंग ऑफ द लर्निंग टू लिव, जिंदा रहने के लिए, जीने के लिए जान लेना ही बहुत कुछ होता है। कि जब आपको समझ आ जाती है कि आपने कैसे जीना है, ये तो ये बहुत कुछ है। डू नॉट काउंट द ईयर्स डैट आर लेफ्ट अस, जो हमने गुजार दिए उन दिनों की परवाह ना करें। एट आवर टाइम ऑफ लाइफ इट इज़ द डेज डैट काउंट, जो हमारी ज़िंदगी में दिन बच गए हैं उनकी कदर है, उनको जांचना चाहिए। यू हैव टू मच कैचिंग अप टू डू वेस्ट आर मिनट ऑफ आर वॉकिंग ऑफ आर फीलिंग सॉरी फॉर दर योर सेल्फ, क्या खुद के लिए अफसरदा या पशेमान होते हुए अपनी ज़िंदगी के आखिरी लम्हे तुम ज़ाया कर दोगी। वो उसको यहाँ पर समझाते हुए ये लाइन्स बोलती हैं। मेन आइडियाज़ अगर हम थीम्स देखें तो शॉर्ट स्टोरी में हमें मिलती हैं, वैल्यू ऑफ रिलेशनशिप, के रिलेशनशिप्स की क्या वैल्यू है। बेस और उसकी जो सिस्टर लोटी है उनका रिलेशनशिप आपस में देखा जाए तो बेस का और हैरी का आपस में रिलेशनशिप देखा जाए तो उन्होंने अपनी रिलेशनशिप कायम किया, शादी की, अगरचा के उसको वहाँ औलाद नहीं हुई थी बेस और हैरी की, लेकिन फिर भी उसने ज़िंदगी के मज़े लिए, उन खुशियों को जिया। तो वैल्यू ऑफ रिलेशनशिप का हमें थीम मिलता है यहाँ से। लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस सेल्फ डिवेलपमेंट, तजर्बा से इंसान सीखता है। तो ज़िंदगी तो गुजर गई लोटी की, लेकिन उसने ज़िंदगी तजर्बे से साबित हुआ, उसने सीखा डैट मनी इज़ नॉट एवरीथिंग, रकम हर चीज़, वी कैन नॉट बाय हैप्पीनेस विद मनी। डिज़ायर्स वर्सेस ड्यूटी, एक तरफ डिज़ायर्स हैं एक तरफ ड्यूटी हैं। ड्यूटी लोटी की है कि वो क्या करती है, अपनी ड्यूटी पूरी करती है और अपना तमाम वक्त अपनी ड्यूटी में गुजार देती है और अपने डिज़ायर्स को ख़त्म कर देती है। इन दोनों को देखा जाए तो ये भी एक हमारे पास थीम नज़र आता है यहाँ पर। अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी, ज़ाहरी कुछ और हकीकत में कुछ होता है। मनी वर्सेस हैप्पीनेस का थीम भी मिलता है। इंपॉर्टेंस ऑफ इनर सेटिस्फेक्शन, जेंडर इशूज़, पर्सनल फ्रीडम एंड द लिबर्टी, एंड लास्ट ऑन फ्यूचर प्लानिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द प्रेजेंट, ये कुछ अहम थीम्स हैं जो हमें यहाँ से मिलते हैं। क्वेश्चन डैट कैन बी रेज्ड, विच वन ऑफ द टू सिस्टर्स यू एसोसिएट विद मोर, गिव रीज़न, इन दो बहनों में से आप किसकी तरफ ज़्यादा, किस सिस्टर का करेक्टर आपको बहुत अच्छा लगता है, तो आप उसके रीजन्स दें। नंबर टू, स्टेट योर रीजन्स ऑफ फीलिंग कनेक्टेड रिलेटेड टू द फीमेल करेक्टर इन द स्टोरी, फीमेल करेक्टर से रिलेट करने के लिए, उनकी फीलिंग्स के लिए अपनी रीजन्स दें स्टोरी के हवाले से। यू कैन ऑल्सो पॉन्डर अपॉन इशूज ऑफ द स्टोरी इन द लोकल पाकिस्तानी कंटेक्स्ट, पाकिस्तानी कंटेक्स्ट के अंदर भी इस स्टोरी की वजाहत की जा सकती है, आप कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, वी वट आर द मेन इशूज ऑफ द वर्किंग वीमेन डिस्कस्ड इन द रिलेशनशिप लोटी, लोटी को मद्देनजर रखते हुए जो वर्किंग वूमेन के इशूज हैं वो कौन कौन से हैं, उनको डिस्कस करें, उनको अच्छी तरह से देखें। तो ये हमारे पास क्वेश्चन हैं, मेन थीम है, हमने इम्पोर्टेंट लाइन्स को डिस्कस किया, मॉरल को देखा और स्टोरी के मुकम्मल टेक्स्ट को रीड किया। इसके अलावा हमने डोरोथी वेस्ट, इसकी मुकम्मल बायोग्राफी देखी, इम्पॉर्टेंट वर्क्स को देखा। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।